गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 9। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज यानी स्रोत हैं जहां से हमें पानी मिलता है। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशियंस आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। ये जगह है नदी, झील, तालाब, समुद्र, महासागर, यहाँ से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। हाउ कैन वी चेंज वाटर टू आइस। पानी को बर्फ में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। वाटर कैन बी चेंज इन टू आइस बाय फ्रीजिंग। उसको जमा करके, टेम्परेचर कम कर करके उसको पानी को बर्फ में बदला जा सकता है। राइट एनी 5 यूजेज ऑफ वाटर। पानी के कोई 5 इस्तेमाल लिखिए, किस किस चीज में हमें पानी की जरूरत होती है। बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड गार्डनिंग। नहाने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, पीने में और बागवानी करने में, गार्डनिंग करने में हमें पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की कोई भी 4 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज होती है खासियत, उसके गुण लिखिए, पानी के जो खास बातें हैं, जो उसके गुण हैं। फर्स्ट वन इज वाटर हैज नो शेप। पानी की कोई भी शेप नहीं होती है, कोई बनावट नहीं होती है। वाटर हैज नो कलर, कोई रंग नहीं होता है पानी का। वाटर हैज नो स्मेल, कोई खुशबू, खुद की कोई गंध नहीं होती है पानी की। वाटर हैज नो टेस्ट, कोई भी स्वाद नहीं होता है पानी का, यानी वाटर हैज नो शेप, कलर, स्मेल एंड टेस्ट। व्हाट इज वाटर साइकिल, एक्सप्लेन। वाटर साइकिल क्या होती है उसको एक्सप्लेन करें। व्हेन वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ चेंजेस इट्स फॉर्म्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस टू लिक्विड टू सॉलिड, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी व्हेन वाटर, जब जो पानी होता है प्रेजेंट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो पानी है, चेंजेस इट्स फॉर्म, अपना रूप बदलता है। ये फॉर्म है form, ये फ्रॉम है form, अपना रूप बदलता है। कैसे, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, गैस से वापस लिक्विड बनता है और लिक्विड से फिर से सॉलिड बनता है। ये जो रूप बदलने का काम है पानी का प्रकृति में, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। कोई भी डाउट हो आपको, किसी चीज में प्रॉब्लम हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क। थैंक यू वेरी मच।